मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन 11, द पाइपलाइन। इन दिस लेसन बेटा, द राइटर वांट टू टेल अस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ, ये जो है प्ले। प्ले क्या होता है? जब परफॉर्मेंस रियल स्टेज पर दी जाती है, और इसमें डायलॉग कौन सा कब क्या बोलेगा वो सब जो एक्टर होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। रियल स्टेज होती है जो प्ले होता है, प्ले इज अ रियल स्टेज जिसमें लाइव परफॉर्मेंस हमें देनी होती है। इन दिस प्ले जो राइटर हैं, राइटर कहते हैं कि देयर इज मेन फाइव कैरेक्टर्स। फर्स्ट है अर्नेस्ट रायलन स्मिथ। अर्नेस्ट रायलन स्मिथ है जो एक स्कूल बॉय है, 14 ईयर ओल्ड है, फिफ्थ क्लास में है। मिस्टर रायलन स्मिथ, मिस्टर रायलन स्मिथ है जो अर्नेस्ट के फादर हैं, एंड ही इज अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है। अंकल टॉम है, मैरी मैरी सर्वेंट है घर की। फिर इसमें एक और एक्सप्लेनेशन है बॉय की, नेम स्मिथ, स्मिथ का नाम का बॉय नहीं है। देर आर फाइव मेन कैरेक्टर्स बेटा, अर्नेस्ट 14 ईयर बॉय, मिस्टर रायलन अर्नेस्ट के फादर है, अंकल टॉम है, मैरी एक सर्वेंट है, और एक बॉय है जिसका नाम है स्मिथ। इस लेसन बताया गया है हाउ यू फील व्हेन यू गेट लो मार्क्स एंड यू डिड नॉट वांट टू शो योर रिपोर्ट कार्ड टू योर पेरेंट्स। आपके कम मार्क्स आए हो, आप अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड ना दिखाएं, तब कैसा फील पेरेंट्स को होता है, कैसा फील बच्चे को होता है। दिस स्टोरी इज अबाउट the report card. Now we are going to start read the lesson 11. Lesson 11, the pipe lighter. देखिए, read the dialogue between a father and a son. हमें यहाँ एक father और son के जो dialogues हैं वो read करने हैं। देखिए, father कहते हैं, son, did you get your report card? क्या तुम्हें तुम्हारा report card मिल गया? अब देखिए जो सन क्या कहता है, यस डैड आई हैव गोट इट, मुझे मिल गया। फादर कहते हैं, यू हैव गोट इट, क्या तुम्हें मिल गया? व्हेन, व्हाई डिडंट यू शो इट टू मी, तुमने ये मुझे क्यों नहीं दिखाया? सन कहता है, यस्टरडे, कल मिला है, आई फॉरगेट टू शो इट टू यू, आपको दिखाना भूल गया। फादर कहते हैं, यू फॉरगॉट, तुम भूल गए। सन कहता है, वेल आई वाज गोइंग टू, और इट मीन्स वो अटक जाता है, बट फिर अटक जाता है, आई थॉट, लड़का कहता है कि मैं दिखाना तो चाहता था। अब देखिए क्या होता है, डज दिस डायलॉग रिंग अ बेल एट लीस्ट इन सम ऑफ यू, क्या ऐसी ही वाइब्रेशन आपको भी आती है, आपके दिमाग में भी घंटी बजी ऐसी सिचुएशन सुनकर? देखिए, वेल इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल दीज हु फेयर बैडली इन देयर एग्ज़ाम। कहते हैं सिचुएशन उन सबके साथ आती है जो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करते, बैड करते हैं। हाउ डू दे डील विद इट, कैसे डील किया जाए इसके साथ? लेट्स रीड द प्ले एंड फाइंड आउट हाउ, देखिए जो हाउ अर्नेस्ट अंकल शॉक द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर इट, किस तरह से अंकल अर्नेस्ट सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। बट वाज इट द राइट थिंग टू डू, क्या ऐसा करना राइट है? अब देखिए स्टोरी में क्या होगा। देखिए, पहले मेन कैरेक्टर्स हैं अर्नेस्ट रायलन स्मिथ है, स्कूल बॉय गोइंग है, 14 ईयर का है। मिस्टर रायलन स्मिथ है, उसके फादर हैं अर्नेस्ट के, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं। अंकल टॉम है, मैरी एक सर्वेंट है, इसमें एक बॉय है, ऑल्सो नेम स्मिथ नाम है उसका। अब देखिए, द सिटिंग रूम ऑफ द रायलन स्मिथ, तो रायलन स्मिथ हैं जो फादर हैं उनका सिटिंग रूम था। इट इज़ जस्ट बिफोर 7 PM, अ फ्यू बिफोर डेज बिफोर क्रिसमस, कहते हैं क्रिसमस से कुछ दिन पहले शाम को 7 बजे की बात है। अर्नेस्ट इज बेंडिंग डाउन ओवर द रेडियो, रेडियो सुन रहा था, टर्निंग कंट्रोल कर रहा था, एंड द सेट इज मेकिंग अ टेरिबल नॉइज, और रेडियो सेट में से बड़ी ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। एज हिज फादर एंटर्स, तभी उसके फादर एंटर करते हैं।
अब देखिए फादर क्या कहते हैं, फादर कहते हैं फॉर गुडनेस सेक लीव दैट थिंग अलोन, इसको छोड़ दो, इसको किसको, रेडियो को छोड़ दो भगवान के लिए, गुड सेक गुडनेस मीन्स भगवान के लिए रेडियो को छोड़ दो, एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट, कुछ शांति होने रहने दो, एनी लेटर फॉर मी, और उससे पूछते हैं कि क्या कोई मेरे लिए लेटर आया। अब अर्नेस्ट कहता है आई डोंट थिंक सो डैड, मुझे नहीं लगता कि कोई लेटर आया है, बट द इवनिंग पोस्ट हैज़ नॉट कम इन येट, कि जो इवनिंग की पोस्ट है वो अब तक नहीं आई है। अब फादर कहते हैं कंसल्टिंग हिज वॉच, अपनी वॉच को देख, फादर कहते हैं कि इवनिंग पोस्ट अब तक, वो कहता है अर्नेस्ट कहता है इवनिंग पोस्ट अब तक नहीं आई। अब फादर कहते हैं कंसल्टिंग हिज वॉच, अपनी वॉच को देख के, लेट अगेन, दोबारा से लेट हो गई, इट जस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कहते जो गवर्नमेंट काम होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, कुछ भी काम प्रॉपर नहीं होता। मैरी टेल्स मी द टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर अगेन, मैरी कौन है, सर्वेंट है उनकी, कहते मैरी ने मुझे बताया था कि जो फ़ोन है वो भी आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, यानी कि काम नहीं कर रहा। अर्नेस्ट कहता है इट्स द वेदर आई एक्सपेक्ट, अर्नेस्ट कहता है शायद ये वेदर की वजह से है, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करता हूँ। फादर कहते हैं व्हाट डू यू मीन, फादर कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, व्हाट्स द वेदर गो टू डू विद इट, कि वेदर का क्या मतलब हुआ टेलीफोन के ख़राब होने में। अर्नेस्ट कहता है आई थॉट परहैप्स द स्नो, फिर बीच में अटक जाता है कि शायद ये बर्फ़ की वजह से है, तो फादर कहता है वेल डजंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता, इट्स प्रोबेबली ड्यू टू केयरलेसनेस और लेजीनेस, कहता शायद ऐसा केयरलेसनेस या लेजीनेस की वजह से है। एंड गुडनेस नो आई गो गेट इनफ ऑफ दैट एट द ऑफिस, कहता मैं गो ऑफिस में भी ऐसा होता रहता है, नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्क हार्ड नाउ डेज, आजकल कोई हार्ड वर्क का मीनिंग ही नहीं समझता, विच रिमाइंड्स मी शुडंट यू बी डूइंग योर होमवर्क, कहता क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया है। अब अर्नेस्ट कहता है वी हैव ब्रोकन अप डैट, कि हाँ मैंने कर लिया है। फादर कहता है व्हाट ऑलरेडी, क्या तुमने ऑलरेडी कर लिया। अर्नेस्ट कहता है इट्स ओनली 3 days टू क्रिसमस, कि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं क्रिसमस के। फादर कहते हैं आई शुड हैव थॉट क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सो इनफ, कहते मुझे पता ही नहीं चलता कि ईव क्रिसमस ईव इतनी जल्दी क्यों आ जाती है, आई शैल बी एट दी ऑफिस टिल देन, कहते हो सकता है उस दिन मैं इस टाइम तो ऑफिस में हूँ। अब अर्नेस्ट कहता है येस बट बिजनेस इज़ डिफरेंट, कहता बिजनेस एक अलग चीज़ है। फादर कहते हैं सो इट सीम्स, कहता हाँ ऐसा है, यू विल बी डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ समडे, कहते एक दिन तुम अपने आप समझ जाओगे, लाइफ इज़ नॉट ऑल प्लेजर व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल, कि जब आप स्कूल छोड़ देते हो ना, स्कूल से हट जाते हो, तो लाइफ इतनी खुशनुमा नहीं होती। अर्नेस्ट कहता है नॉट वाइल यू आर देयर, कहता हाँ आपके भी नहीं है। फादर कहता है नॉन सेंस माई बॉय, नॉन सेंस, कहता मेरा बेटा नॉनसेंस है, व्हाई माय स्कूल डेज वर द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, कि मेरा स्कूल टाइम तो बड़ा खुशी का था। अर्नेस्ट कहता है अंकल टॉम डज नॉट से दैट, कि अंकल टॉम ने तो ऐसा नहीं कहा, ही सेज़ ही हैड अ रूटन टाइम, रूटन टाइम मीन्स बैड टाइम, कि हमारा तो बड़ा बैड टाइम था। फादर कहते हैं ओह डज इट, कैसा था, ही इज़ प्रोबेबली फॉरगॉटन, कहते वो भूल चुका है अपने प्रेजेंट टाइम को। अर्नेस्ट कहता है जो बेटा है ही हैज़ नॉट फॉरगॉटन द बीटिंग ही यूज टू गेट, कहता वो उस बीटिंग होता है मार को, कहता वो उस मार को अब तक नहीं भूला जो उनको पढ़ा करती थी। अब फादर कहते हैं आई हैव नो डाउट ही रिचली डिस्कवर्ड देम, कि उसको ये सब कुछ याद है, इफ़ ही हैड डन हिज लेसन्स प्रॉपरली एंड बिहेव हिमसेल्फ ही वुड नॉट हैव बीन पनिश्ड, कि अगर उसने टॉम ने अपने लेसन अच्छे से किए होते और बिहेव अच्छे से किया होता तो उसको कभी पनिश किया ही ना जाता। एवरीबडी नोज दैट, हर कोई जानता है ये बात। बाय द वे डोंट यू यूजली ब्रिंग होम अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द टर्म, कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और तुमने मुझे अब तक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया। अर्नेस्ट कहता है यस डैड, कहते हाँ अभी दिखाता हूँ। फादर कहते हैं देन वेयर इट इज़, कहते कहाँ है वो रिपोर्ट कार्ड, वाई हैव नॉट आई सीन इट, कि अब तक मैंने उसको क्यों नहीं देखा। अर्नेस्ट कहता है आई वॉज वेटिंग टिल आफ्टर सपर टू शो इट टू यू, सपर होता है बेटा रात का खाना, कि मैं आपका वेट कर रहा था कि रात का खाने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। फादर कहते हैं वट एवर फॉर, कहते फिर अब क्या है, यानी कि अब दिखाओ मुझे, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट माई बॉय, कहते अब तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, अब मुझे दिखाओ। आउट विद इट
बाहर निकालो एंड लेट्स सी व्हाट योर मास्टर से अबाउट यू दिस टाइम। तो चलो देखते हैं तुम्हारे सर तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। इफ़ आई रिमेंबर राइटली यू वर प्रीटी लो इन योर फॉर्म लास्ट समर। कहते लास्ट समर में तुमने कुछ अच्छा नहीं किया था अपने एग्जाम में। अब अर्नेस्ट कहता है बट आई वाज इन द सेकंड 11th क्रिकेट टीम। कहते क्रिकेट टीम में मैं सेकंड रहा था एंड डिड अ लॉट ऑफ स्विमिंग फॉर द स्कूल। स्कूल के लिए स्विमिंग में मैंने बहुत अच्छा किया था। अब फादर कहते हैं वेल दैट वाज समथिंग इन योर फेवर। कहते तुम तो अपने काम की बातें कह रहे हो बस। ऑल द सेम आई डोंट पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू टू लर्न नथिंग बट गेम्स। कहते अब मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करूँगा तुम्हारी गेम के ऊपर। इट्स वर्क दैट काउंट्स एवरी टाइम एंड डोंट यू फॉरगेट इट। कहते काम है जो तुम्हें करना पड़ेगा और भूलो मत कि तुम्हें अपना काम करना है। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट इफ़ यू हैव नॉट लॉस्ट इट। कहते अगर गुम ना हुई हो तो मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाओ। और नेक्स्ट कहता है ओ नो डैड हेयर इज इट इज़। कहते नहीं डैडी गुम नहीं हुई यहीं पर है। और वो क्या करता है वो देखिए प्रोड्यूसेस एनवेल्प फ्रॉम इनसाइड कोट पॉकेट। कोट की पॉकेट में से एनवेल्प निकालता है। फादर हम नोट टू क्लीन। कहते इतना साफ तो नहीं है यानी कि तुम ऐसे दिखाने वाले तो नहीं हो। हाउएवर कट्स एनवेल्प विद पॉकेट नाइफ। कट करता है एनवेल्प को। टेक्स आउट रिपोर्ट। रिपोर्ट निकालता है अनफोल्ड करता है बिगिन टू रीड अलाउड। अलाउड उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। फिर कहता है स्क्रिप्चर मेकिंग स्टडी प्रोग्राम सीआर। कुछ सीआर कहते तुम्हें सीआर मिला है। फिर उसके बाद कहता है अर्नेस्ट मिस्टर रीड ही टेक्स अस फॉर स्क्रिप्चर एंड मैथ। कहते जो मिस्टर रीड है वो हमें स्क्रिप्चर यानी धार्मिक चीज़ें और मैथ पढ़ाते हैं। फादर कहते हैं हम अ क्वीर कॉम्बिनेशन। कहते हैं बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है मैथ और स्क्रिप्चर दोनों चीज़ें। एंड येट आई डोंट नो। कहता मुझे नहीं पता। आई सपोज देर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्थमेटिक इन द बाइबल एंड प्रेयर बुक। कि अर्थमेटिक की बुक में बाइबल में और प्रेयर में कुछ सेम होता होगा। इंग्लिश कंपोजिशन में शोज ओरिजिनलिटी। कहते उसमें तुम्हारा नंबर ठीक है। दैट्स माइट मीन एनी थिंग ग्रामर गुड केयरफुल वर्क। तो उसमें अच्छे मार्क्स रिमार्क्स मिले थे उसको। रीडिंग में उसको गुड मिला था। राइटिंग में फेयर मिला था। स्पेलिंग में इम्प्रूविंग मिला था। थैंक हैवन फॉर दैट। यहीं तक करना है बेटा। भगवान का वो धन्यवाद करते हैं। यू हैव टू रीड दिस लेसन एट होम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।